अब तक की पांच अहम खबरें। मुसलमानों में कौम परस्ती नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि वो कौम परस्त है तो वो झूठ कह रहा है। वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का विवादित बयान। वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने ऑल इंडिया हिंदू राष्ट्रीय कन्वेंशन में मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ बड़ा ही विवादित बयान दिया। रंजीत सावरकर ने कहा कि मुसलमानों में राष्ट्रवाद यानी के कौम परस्ती नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वो कौम परस्त है तो वो झूठ कहता है, और अगर सच कहता है तो मुसलमान खुद ही उसे अपनी बिरादरी से निकाल देंगे, क्योंकि कुरान के मुताबिक कौम परस्ती सिर्फ इस्लाम को मानने में है। हर मुसलमान इस्लामिक देश को बनाए, ये उसका फर्ज है। इसलिए अगर कोई मुसलमान कहे कि वो कौम परस्त है तो वो झूठ बोलता है, और इसके लिए मुसलमानों को झूठ बोलने की भी इजाज़त है। उन्होंने आगे कहा कि 1921 में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 22% थी, और तब उन्होंने महात्मा गांधी का साथ लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें मारे गए हिंदू लोग, क्योंकि मुसलमानों के लिए कोई भी काफिर काफिर है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों या फिर हिंदू, वो सबको मारने के लिए तैयार हैं। और वहीं जब 1947 में मुसलमानों की आबादी 35% हो गई तो वो हिंदुस्तान का एक तिहाई हिस्सा ले गए। तो आज ये मुसलमान हर जगह मौजूद हैं हिंदुस्तान के। गोवा में इन्होंने एक छोटा पाकिस्तान बना दिया। इतना ही नहीं, रंजीत सावरकर ने ये भी कहा कि अगर इस बार मुसलमानों की आबादी 35% हो गई तो लोगों को हिंदुस्तान नहीं दिखेगा, बल्कि इसकी जगह सिर्फ कब्रिस्तान मिलेगा। इसलिए इन सभी चीजों को रोकने के लिए सभी हिंदुओं को वीर सावरकर की सोच के मुताबिक एक साथ आना होगा। जिस जगह में हिंदू ज्यादा हैं वहां मस्जिद बनने के लिए जगह नहीं मिलने देंगे। महाराष्ट्र में एहतजाज कर रहे हिंदू बलदस्ती पसंदों का बयान। महाराष्ट्र के उलवे में आज हिंदू बलदस्तियों की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आपको बता दें तो ये एहतजाज इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र के शिड़को में मस्जिद बनाने के लिए एक प्लॉट जमीन दी गई थी, जिसके बाद से इसके खिलाफ एहतजाज में हिंदू समुदाय के लोग निकले, और उनका कहना है कि वो इस बारे में अपने एहतजाज से अपील कर रहे हैं कि शिड़कों में मस्जिद के लिए जो जगह दी गई है उसे वापस ले लिया जाए। और अगर उनकी इस अपील को नहीं सुना गया तो ये एहतजाज तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर उनके लिए बाकी है। मस्जिद का काम अगर शुरू करवाया गया तो मस्जिद को ही तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही एहतजाज का हिस्सा बने महाराष्ट्र से भाजपा के नायब सदर नरेंद्र अन्ना साहिब पाटिल ने इस मामले को लैंड जिहाद से जोड़कर कहा, बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद हो रहा है और ऐसे ही कुछ लोग अपने मजहब को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बड़े पैमाने में हिंदू उलवे में रह रहे हैं तो वहाँ किसी और मजहब की मजहबी इदारों को बनने के लिए जगह देना लैंड जिहाद है, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। अहले हद की पसंदी कश्मीर में खत्म हो चुकी है, लेकिन वादी के मरकजी दहाड़ों की सियासी जमातों के साथ बातचीत करना है जरूरी। एएस दुल्लत। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबक चीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के जम्मू कश्मीर के माशरी अमरजीत सिंह दुल्लत ने कश्मीर को लेकर अपने ख्याल बताते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में अब अहले हदगी पसंदी खत्म हो चुकी है आर्टिकल 370 की तरह, लेकिन अब वादी के मरकजी दहाड़ों की सियासी जमातों के साथ बातचीत करने का वक्त भी आ गया है और वो बेहद जरूरी भी है। एएस दुल्लत ने आगे मीरवाइज उमर फारूक को लेकर कहा कि 4 अगस्त 2019 से मीरवाइज हाउस अरेस्ट है, उनका भी वादी की सियासत में बड़ा अहम किरदार है, और हम बस इतना जानते हैं कि जब भी वो बाहर आएंगे वो मेन स्ट्रीम होंगे, और उन्हें अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर ले आना चाहिए ताकि हम भी देखें चीजें किस तरह से चलती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना जल्दी जम्मू कश्मीर के पास उनकी मनतखब हुकूमत होगी उतना ही बेहतर होगा, और अगर इस बारे में अलहदगी पसंदों से बात नहीं करनी तो मेन स्ट्रीम से बात करें, इलेक्शन करवाएं और रियासत को बहाल करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायक ने हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को एक साथ लाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने जाति ख्याल कहकर अपना दामन छुड़ाया। मुल्क भर में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए खुलेआम बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हिंदू तंजीम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की तरफ से अपने बयान में ये कहा गया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए सभी हिंदुओं को एक साथ मिलकर एकजुट होकर आना होगा। वहीं इस बात की मुखालफत हर बार ही कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तरफ से की गई थी, और ये कहा गया था कि इन सभी बयानों से देश में भाईचारा खराब होता है। वहीं आज छत्तीसगढ़ से कांग्रेस विधायक अनिता शर्मा के बयान से कांग्रेस बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। अनिता शर्मा ने सभी लोगों से हिंदू राष्ट्र बनने के लिए लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होने की अपील की है। हालांकि उनके इन बयानों से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर दिया और इन सभी ख्यालों को जाति ख्याल बता दिया।
प्रधानमंत्री की एक बार फिर आ गई मन की बात, लेकिन मणिपुर के हालातों पे नहीं की कोई भी बात कांग्रेस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का एक और एपिसोड आया, जिसे मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ बैठकर सुना। लेकिन वहीं उनके इस मन की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात आ गई, लेकिन उन्होंने मणिपुर के हालातों पर मौन साध लिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि एक और मन की बात आई, पर प्रधानमंत्री की मणिपुर पे कोई बात नहीं आई। उन्होंने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की जबरदस्त काबिलियत के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी ही पीठ थपथपाई है, लेकिन पूरी तरह से इंसानों से की गई या कहीं जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से जो तबाही का सामना मणिपुर कर रहा है, उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई अमन की अपील नहीं की है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने ये भी कहा कि एक ऑडिट ना होने वाला पीएम केयर्स फंड है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पीएम मणिपुर की सच में केयर करते भी हैं? ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।